हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आज अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उदयपुर शहर के बैंक तिराहा पर बीजेपी की एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कटारिया ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को सभी लोगों के सामने रखा। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन मीना कई विधानसभाओं के प्रत्याशियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कटारिया ने अपने उद्बोधन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए ओजस्वी भाषण देते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। उदयपुर शहर की सड़कों का विकास हो या फिर देवास का पानी उदयपुर की झीलों में लाने का काम हो, तमाम चीजों को कटारिया ने एक एक कर जनसभा में सबके सामने गिनकर आम जन को बीजेपी की ओर रिझाने का प्रयास किया। इस दौरान जनसभा में कटारिया और धर्म नारायण जोशी की नजदीकियां खासा चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल गृह मंत्री कटारिया और धर्म नारायण जोशी पिछले लंबे दशक से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। यही नहीं, इस वजह से गृह मंत्री कटारिया ने पिछले बार भी मावली से धर नारायण जोशी का टिकट कटवा दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर की नजदीकियों का फायदा धर नारायण जोशी को मिला और उन्हें वापस मावली से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में आज धर नारायण जोशी भी गृह मंत्री कटारिया के नामांकन के बाद आयोजित बीजेपी की सभा में पहुंचे और कटारिया के पक्ष में जमकर कसीदे पढ़े। इस दौरान मंच पर दोनों ही नेताओं ने कई देर तक पास पास में बैठकर चर्चाएं की। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।